नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाओं को लेकर कोई इंस्ट्रक्शन है वो जारी हो चुके हैं। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, सभी जैसे तीन बड़े नोटिस जारी हुए हैं आपके इंस्ट्रक्शंस को लेकर, जो आपकी प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल परीक्षा होगी वो किस प्रकार से होने वाली है, किस स्तर पर आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं करवाई जाएगी। तो जैसे कि आपको इन जो नोटिस है इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। जो भी छोटे छोटे पॉइंट है सभी को मैं यहां पर क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो यहां पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो दोस्तों, आपकी बार जो आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा होने वाली है उसके लिए कोई आपका बार से एक्सटर्नल नहीं आएगा, जो आपका विशेषाध्यक्ष है वो ही आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा लेने वाला है। इसी के बाद दोस्तों, जो आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी, जैसे कि आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं 15 मार्च से स्टार्ट है, 15 मार्च से स्टार्ट है। जैसे जो रेगुलर के स्टूडेंट है उनकी 15 मार्च से 18 मार्च तक होने वाली है, और जो मतलब कि प्राइवेट के स्टूडेंट है उनकी परीक्षाएं जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं है वो 21 मार्च से लेकर 28 मार्च तक होने वाली है। तो आप सभी को मालूम है कि जो आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा है वो आपके विश्वविद्यालय आपके विद्यालय में ही कंप्लीट करवाई जाएगी। इसी के बाद दोस्तों, जब भी आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू हो उसको लेकर जो आपके विद्यालय है उनको 2 या 3 दिन पहले जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनके पास नोटिस भेजना होगा, साथ में जो छात्र है उनको भी बताना होगा। जो भी एक तरह से जो टाइम टेबल बनाया जाता है परीक्षाओं का, वो सबसे पहले आपको 3 या 4 दिन पहले जो विद्यालय का नोटिस बोर्ड है वहां पर आपको चस्पा देना होगा, जिससे कि सभी छात्रों को पता लग जाए कि हमारा जो प्रैक्टिकल परीक्षा है उस दिन से उस टाइम पर स्टार्ट हो रही है। इसी के बाद दोस्तों, अगर कोई भी विशेषाध्यक्ष है, जैसे मतलब कोई विषय है आप, जैसे कोई मैथ सब्जेक्ट मान लीजिए और उसका टीचर है, बाय चांस वो टीचर आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, बाय चांस वो टीचर आपके विद्यालय में नहीं है, तो आप किसी दूसरे विद्यालय में जाकर भी आप उस टीचर की जो प्रैक्टिकल परीक्षा है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। वैसे मैथ का मैं पहले बोल देता हूं, आप कमेंट भी करोगे कि मैथ का प्रैक्टिकल नहीं होता, तो मैंने ओनली यहां पर एग्जांपल के लिए लिया है। अगर बाय चांस वहां पर आपका टीचर नहीं आता है तो आप दूसरे विद्यालय से भी जाकर वो कंप्लीट कर सकते हो। बाय चांस दोस्तों आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे विषय को चूज कर लेता है जिसका संचालन आपके विद्यालय में नहीं होता, तो आप जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति से दूसरे विद्यालय में जाकर अपनी प्रैक्टिकल परीक्षाएं दे सकते हो। उसके लिए आपको किसी भी तरह से कोई भी बाध्यता नहीं है, आप जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति से वो परीक्षा वहां पर जाकर दूसरे विद्यालय में जाकर दे सकते हो। इसी के बाद दोस्तों, जैसे आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा स्टार्ट हो रही है और प्रैक्टिकल परीक्षाएं आपके विद्यालय में ही कंप्लीट होगी, और बाय चांस दोस्तों जैसे कि अगर आप अपने विद्यालय में जाते हो या वहां पर जाकर अनुपस्थित रहते हो, आप अनुपस्थित रहते हो अपने विद्यालय में, किसी कारणवश से अपनी जो प्रैक्टिकल परीक्षा है वो नहीं दे पाते हो, बाय चांस नहीं दे पाते हो, तो आपकी जो प्रैक्टिकल परीक्षा है उसी अवधि में ले ली जाएगी, यानी मतलब कि दूसरे दिन या 2-3 दिन बाद में आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा ले ली जाएगी। उस चीज का बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, आपको थोड़ा बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए करना होगा, उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं ले ली जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि यहां पर मैंने 3 नोटिस आए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से, वो मैंने बिल्कुल यहां पर क्लियर कर दिए हैं, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट थे वो टॉपिक मैंने यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। और बाकी देखो, आगे जाकर कोई भी आपके लिए अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी देखो, आपके लिए कोई बार से एक्सटर्नल आता है वो नहीं आएगा, आपके जो टीचर है वो ही आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं लेने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में कुछ ऐसा नया कंटेंट लेकर। तो तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।